की मक्खी को हटाकर चश्मे की मक्खी को, वो मैं जो उदाहरण देती हूँ कि प्याला चाय का, उसमें मक्खी गिर गई, मित्र के यहाँ मित्र गया तो प्याला चाय का आया, उसमें मक्खी गिर गई, फेंक दिया, इसमें मक्खी है। दूसरा प्याला मंगाया, वो भी फेंक दिया, इसमें भी मक्खी है, ये ठीक नहीं है। तीसरी बार तीसरी चाय मंगाई तो इसने देखा इसमें भी मक्खी पड़ी है, ये फेंकने ही वाला था कि हाथ पकड़ लिया मित्र ने, भैया देखो तो सही कैसी मक्खी गिर जाती है तुम्हारे प्याले में, हर बार गिर रही है। उसने ध्यान से देखा और देखा तो मक्खी चाय में नहीं थी, मक्खी चश्मे पे लगी हुई थी। चाय में मक्खी है ही नहीं, तुम बार बार फेंके जा रहे हो, चश्मे की मक्खी हटाते नहीं हो और चाय फेंके जा रहे हो। इस संसार में बुराई नहीं, संसार बंधन नहीं है, संसार को साधन बना लो तो ये मोक्ष का द्वार भी बन सकता है। मक्खी तो यहाँ है, बुराई तो यहाँ है, नजरिया तो यहाँ खराब है, भीतर सारे विकार भरे हुए हैं और हमें जिधर देखते हैं उधर बुराई दिखती है। अरे जब भीतर परमात्मा बैठा है तो जहाँ देखोगे वहाँ परमानंद ही दिखेगा, जहाँ देखोगे वहाँ आनंद ही आनंद होगा। जिधर देखो जिनको जीवन में मिला सत्संग है उनकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिनका ईश्वर से जुड़ गया संबंध है उनकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहें तो वो क्या करे। और वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम बदलना न चाहें तो वो क्या करे। कुछ बनने के लिए आए हैं यहाँ पर और कुछ न बनकर गए तो यूं ही चले जाएंगे और यूं ही जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कुछ बनने के लिए, संतों का सानिध्य पाने के लिए, श्रेष्ठ विचार अपने जीवन में ढालने के लिए और बड़े सुंदर भाव संतों के हैं। ऐ मनुष्य, विद्वान समझा रहे हैं, श्रेष्ठ जन समझा रहे हैं, शास्त्र समझा रहे हैं। मैंने कहा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम च। अरे आंसू पहुंचे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है तो उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। एक देवता थे शिव शंकर, महादेव इसीलिए हो गए, लोक लाज की जय हो, जग में अमृत बांटा जहर पिया है और काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना कुछ तुम हो ना कुछ मैं हूं, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। हम सब यहां पर मात्र निमित्त हैं, उसको जिसके हाथ से जो कराना है वो करा ही लेता है। और जीवन में इतना सुंदर अवसर जहां संतों का दर्शन है, जहाँ भक्ति की गंगा बह रही है, जहाँ अमृत की गंगा बह रही है, जहाँ स्पष्ट गंगा बह रही है, सरल गंगा, निर्मल गंगा, पावन गंगा का सानिध्य है, जहाँ भोलेनाथ की अपार कृपा बरस रही है, जहाँ मेरे बांके बिहारी की लीलाओं का दर्शन है, प्रेम और करुणा का दर्शन है, जहाँ समस्त भक्तों का भाव है, वही तो हरि है, वही तो कृष्ण है, वही तो परमेश्वर है। आप सबने तो इस स्थान को और भी सुंदर कर दिया है, इसलिए संत बड़ा सुंदर भाव रखते हैं विद्वान।